दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट सोमवार की रात को हैक कर लिया गया। पाकिस्तान समर्थित टर्की के टर्किश साइबर आर्मी आइगदीज टीम ने इसकी जिम्मेदारी ली। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल जब से हैक हुआ है तब से पूरे बॉलीवुड जगत और पूरे इंडिया में सनसनी मच गई है। आपको बताना चाहता हूं, अमिताभ के ट्विटर अकाउंट से टर्की और पाकिस्तान से जुड़े संदेश भी पोस्ट किए गए हैं और जो है इसमें बहुत सारी ऐसी जो है इनवैलिड एक्टिविटी की गई है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सनसनी फैली हुई। आपको बताना चाहता हूं, हैकर्स ने अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल बायो भी बदल दिया। अमिताभ की प्रोफाइल फोटो की जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगा दी। साथ ही लिखा, एक्टर चलो कुछ लोग अब भी ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान को प्यार। अमिताभ बच्चन ट्विटर पर खासे सक्रिय रहते हैं और उनके 3.74 करोड़ फॉलोअर्स हैं। दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल पे वहां पे उनका फ़ोटो हटा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो है फोटो पोस्ट की गई है और एक ट्वीट भी किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट रिकवर कर लिया गया और हैकरों द्वारा किए गए सभी ट्वीट भी हटा दिए गए। आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हैकर्स ने अमिताभ के अकाउंट से ट्वीट किया था, ये पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी संदेश है, हम टर्की के फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रति आइसलैंड रिपब्लिक के रवैये की निंदा करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं लेकिन हम बड़ी से बड़ी छड़ी रखते हैं और आपको यहाँ बड़े साइबर हमले के बारे में बता रहे हैं। आइडिक्स टीम और टर्किश साइबर आर्मी टर्की की फुटबॉल टीम पिछले दिनों यूरो 2020 का क्वालिफाइंग मैच खेलने आइसलैंड गई थी। वहां पहुंचने के बाद टर्की के खिलाड़ियों की एयरपोर्ट पर गहन तलाशी ली गई थी जिसकी वजह से टर्की और पाकिस्तान से कुछ हैकरों ने ऐसी यानी कि इलीगल एक्टिविटी की है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक किए जाने के बारे में मुंबई पुलिस ने जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपनी साइबर यूनिट और महाराष्ट्र साइबर टीम को जानकारी दी है, मामले की जाँच की जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है और इस पर जो है लगाम लगने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।